ओके ओके बंद कर रही हूँ। शी कितनी गंदी है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि बंद करो पीहू। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग रोज नहाते क्यों हैं? क्लीन होने के लिए। तो बस जब हमारी सिटी को क्लीन होना होता है ना, तो भगवान जी ऊपर से बारिश कर देते हैं, फिर हमारी सिटी एकदम अच्छी धुली धुली सी लगती है, है ना? पता है बारिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है? इम्पोर्टेंट? कैसे इम्पोर्टेंट? आपको प्यास लगती है तो मामा आपको पानी देती है ना? बस जब पौधों को प्यास लगती है, पेड़ों को प्यास लगती है, तो भगवान जी ऊपर से बारिश कर देते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। वो लोग पानी पीते हैं तो हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स, सब्जियाँ, इतनी सारी चीज़ें देते हैं। अब सोचो, अब अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कैसे मिलेंगे? तो हुई ना बारिश इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट। आपको बारिश बहुत पसंद है ना? जी बहुत पसंद। और पापा को? पापा को बारिश बिल्कुल पसंद है। आप दो मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जरा बात करनी है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ गीला हो रहा है, प्लीज सिर्फ दो मिनट। गॉड, व्हाट्स विद दिस ट्रैफिक यार, ये सिग्नल खुलेगा कि नहीं? सर जाम बहुत लंबा है और आगे भी बहुत ट्रैफिक मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आगे वो जो लेफ्ट में लेन है ना, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, मैं अंदर से एक रास्ता जानती हूँ, वो सीधे हमें होटल तक पहुँचा देगा, ये सारा ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा। आप यहाँ के रास्ते जानती हैं? जी सर, 5 साल से शहर में रह नहीं रही, लेकिन यहाँ के एक एक रास्ते से वाकिफ हूँ। अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में तो काटी है मैंने। भैया आप प्लीज मिस मत कीजिएगा, ये लेफ्ट यहीं से। नेहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय। तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? चल आ। अब बता क्या हुआ? जल्दी क्या है, पहले नेहा को तो बुलाने दे। डार्लिंग, डार्लिंग कम फास्ट, कहाँ पर हो? अरे तुम कैसे आ गए? पहले बैठो बता तो। डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस पूछने नहीं आया हूँ, योर प्रॉब्लम्स आर योर ओन। मैं बस तुम दोनों को कुछ देने, तो या दिस इज फ्रॉम मी टू बोथ। ये क्या है? बोल के देख लो, पता चल जाए। विक्रम, ना आज मेरा बर्थडे है ना नेहा का, जाना मुझे याद है घर में किसी और का भी बर्थडे नहीं है, तो फिर ये गिफ्ट किस लिए है? कमाल है यार, एक छोटी सी गिफ्ट खोलने के पहले इतने सारे सवाल, व्हाट्स द बिग डील यार? देखो तुम लोगों की एनिवर्सरी के लिए मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया क्योंकि मैं दुबई में था, तो आई थॉट इट्स नेवर टू लेट, और मैं अभी दे देता हूँ। अभी छोटा सा गिफ्ट खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉम्ब नहीं है अंदर, खोलना। राम इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जानते हो हमारी एनिवर्सरी। लो तुम खोलो। अरे व्हाट, इट्स 2 tickets टू पेरिस। तुम दोनों के लिए एक हॉलिडे दिया है मैंने यार, कम ऑन, आई थॉट यू गाइस वुड लाइक इट, पसंद भी आएगा। अरे वो बात नहीं है राम, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन तुम जानते हो हम दोनों ये पेरिस कैसे जा सकते हैं? राम इससे कुछ छुपा थोड़ी है यार, फ्री हॉलिडे की टिकट। एक 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 देखो, ये मैं खरीद चुका हूं एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। मैं तेरे सेंटिमेंट समझता हूँ यार, मैं उनको वैल्यू भी बहुत करता हूँ, लेकिन लेकिन यार प्रॉब्लम्स है, नहीं जा सकते ना। हाँ
ये मैं जानता था, तो जरा अभी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम। बहुत है यार, स्टार्ट विद ऑफिस में इतना काम है, अभी एकदम उठ के कैसे चला जाऊं। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। वो क्या है ना, मैं आपकी सेक्रेटरी से पूछ चुका हूँ, अगले 3 हफ्तों में ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है जो कैंसिल या पोस्टपोन नहीं हो सकती। आगे बोलिए। और हमारे बच्चे वो कैसे कैंसिल हो सकते हैं? तीनों बच्चों को हम अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं? प्लस वो राहुल की फ्रेंड आई हुई है, हाउ बैड विल इट लुक अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं? वेरी गुड पॉइंट। वो क्या है ना, वो सेटिंग भी मैनेज कर ली। आप दोनों के बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, तो आपके बच्चे मेरे साथ रहेंगे एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। और बोलो, वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। तो राम, आई एम सॉरी, लेकिन हम पेरिस जाने के लिए तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा पासपोर्ट ना पिछले महीने एक्सपायर कर गया है एंड आई टोल्ड विक्रम उसे रिन्यू कराना है, हम कर ही नहीं पाए हैं, सो आप नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रही है राम। देख मैम, अब पासपोर्ट रिन्यू कराएंगे तो 1-1.5 महीना तो लग जाएगा ना, फिर देखेंगे। अभी तो एक काम कर, अभी स्क्रिप्ट को रहने देते हैं। वाह, भूल गए कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? राम कपूर बैठा है तुम्हारे सामने। जिस काम को 1 महीना लगता है उस काम को मैं 1 दिन में करवा सकता हूँ, ये तुम दोनों जानते हो। आपके पासपोर्ट रिन्यू हो चुके, वीजा भी स्टैम्प हो चुका। नाउ इनफ एक्सक्यूजेस, टाइम वेस्ट मत करो, पैक एंड लीव, अदरवाइज तुम दोनों लेट हो जाओ। देख राम, बात को समझने की कोशिश कर यार, मेरे और नेहा के बीच में अब यार। देख, ये गिफ्ट सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि मेरी और प्रिया हम दोनों की तरफ से। तुम दोनों मुझे तो ना कह सकते हो, प्रिया को तो मना नहीं करोगे। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स, यू गाइस आर गोइंग, लेट्स फाइन। Don't worry, I'll make it seem fun. I've ordered for myself. It's awesome. Well, babes, I got to go. Sham ko milte hain club. What's up, mom? Kya hua? Aisha, party mein jo kuch hua na, acha nahi hua. तुझे नताशा के बारे में सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। Just stop it, mom. आप भी राम की तरह मुझे ब्लेम मत करो। नताशा ने इतना बड़ा गलत काम किया, वो आप लोगों को नहीं दिखता है, पर आप मुझे लेक्चर दे रही हो। नथ के वजह से जो मैंने सुना है ना, in fact that's wrong. मैंने तो सिर्फ सच कहा है। Calm down. ऐसे calm down. मैं मानती हूँ नताशा ने जो कुछ किया सही नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें उसके बारे में सबको बोल देना चाहिए था। वैसे भी राम और तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है और उस पे तू नताशा के साथ रोज झगड़ती रहती है, इसका असर तेरी ही लाइफ पे पड़ेगा ऐसा। एक बात तो क्लियर है कि राम नताशा की कभी भी बेइज्जती नहीं होने देगा, ना ही उसके ऊपर किसी की उंगली उठने देगा। उसका आउटकम तो तू देख चुकी ना। तो क्या करूं मैं मां, व्हाट शुड आई डू? मैं उसके भाई की वजह से वो नताशा से दोस्ती कर लूं? हां हां आयशा, तुझे अपने और नताशा के रिश्ते को सुधारना होगा। अगर तेरा वक्त अच्छा नहीं है तो जिसका वक्त अच्छा है उसके साथ बहना सीख, खुश रहोगी। नताशा का वक्त अच्छा जा रहा है, अगर तू उसके साथ झगड़ेगी तो अपने हाथ जलाएगी। राम का अटेंशन पाना है तो नताशा के साथ बना कर रखो। करूं मैं, आप बताओ, उसके घर पे सॉरी के कार्ड भेजूं क्या? हाउ एम आई सपोज्ड टू डू इट? एक काम कर, तू कार्तिक और नताशा को डिनर पे इनवाइट कर, पर पहल तो कर, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। मैं डिनर पे इनवाइट कर, इतना कुछ होने के बाद? आयशा, अरे राम और अपने रिश्ते के लिए। ओके, आई थिंक यू आर राइट, कम से कम इससे राम भी इम्प्रेस हो जाएंगे और मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स डू दैट। ये राम भी ना डजंट प्ले फेयर एट ऑल, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी को हॉलिडे पे भेजता है कोई। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। अरे तो मुझे कौन सा जाना है तुम्हारे साथ यार,
मैंने थोड़ी बोला उसे रिक्वेस्ट आने के लिए, वो प्रिया का नाम लेके कैसे मना कर सकते हैं? बचाएंगे कैसे हम? क्या ये हॉलीडे? अरे क्या कर रहे हो? क्या किया विक्रम? सुनो, राम को कह देना टिकट गुम हो गई, कहीं गिर गई। हाँ रंजीत जी, एक मिनट, वो वहां पर जाकर रोकिए। कहां पे? देखो, हम वैसे भी राम की बात नहीं मान रहे, कम से कम उसके इमोशंस की तो कदर कर ही सकते हैं ना। सी, ये टिकट्स उसने प्रिया और अपनी तरफ से हमें दी ना, तो कम से कम हम उसकी मेमोरी तो ऑनर कर ही सकते हैं। हाँ, कैसे? कुल्फी एक एक हो जाए, उसकी फेवरेट की याद है ना। हो जाए एक। रुको, वेट ना, भीग जाओगे तुम। कुल्फी दो। थैंक यू। राम तो अभी यही सोच रहा होगा कि हम दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, उसे कुछ बताना तो पड़ेगा ना। तो एक्सक्यूज बना लेंगे। अच्छी से। सर, कितने टाइम से आवाज लगा रहा हूँ मैं आपको, आप तो सुनते ही नहीं। ये लीजिए आपका बॉक्स, गाड़ी से गिर गया था, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा, सोचा लौटा दूं। ये लीजिए। ऐसा एक बात बताइए, आप वो पुलिस के इश्तेहार नहीं देखते कि अनजान चीजों का हाथ नहीं लगाना चाहिए? अरे कोई बम बम होता तो डर नहीं लगता आपको? कमाल है, 2 किलोमीटर का डाइवर्जन लेके आपको आपका बॉक्स लौटा रहा हूँ और थैंक यू की जगह आप सुनाने लगे, कमाल है। अरे थैंक यू। ठीक है, रखिए। मैं जानता था कि तुम दोनों ऐसा ही कुछ करोगे इस हॉलिडे से बचने के लिए, इसीलिए मैंने मेरे आदमी से कहा था कि तुम दोनों को फॉलो करे। नाउ यू अंडरस्टैंड? और यही आदमी तुम दोनों को एयरपोर्ट तक फॉलो करेगा एंड ही विल मेक श्योर कि तुम फ्लाइट में बैठोगे। ओके, इतनी आसानी से मुझे आउट पार्टी कर सकते तुम दोनों? तुम लोग पेरिस जाओगे, जरूर जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने मुझे और प्रिया को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, याद है? नाउ इट्स योर टर्न, हैव अ गुड ट्रिप, बाय। बिल्कुल याद है, ऑफकोर्स याद है। वैसे एक बार और याद दिला दे, क्या प्रॉमिसेस? अब भूल गए अपने प्रॉमिसेस, इट्स नॉट फेयर। अब बता दो ना, आपने पिज्जा पार्टी का प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, अरे ऑफ कोर्स यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिज्जा पार्टी होगी, जरूर होगी। वैसे नेहा को पता चल गया तो मेरा बैंड बजेगा, लेकिन वो यहाँ है नहीं, सो हु केयर्स, पिज्जा पार्टी होगी। राम अंकल, ये सब परफेक्ट है, बट मुझे आपको किसी से मिलवाना था। एक्चुअली मेरी दोस्त है, दुबई से आई है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मोर देन वेलकम यार। कौन कौन है ये फिर? Come in. ये है कैडी। राम अंकल, कैडी, इसको तो आप जानते ही हो, और ये भी हमारे साथ रहेगी। I'm sure मॉम डैड ने आपको इसके बारे में बताया होगा। Hi sir. Hi. You're more than welcome. तुम बॉम्बे में कैसे? मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी दुबई में, तो उसके ट्रेनिंग के लिए मुझे मुंबई से आई केम हियर। ओके, हाँ जरूर रह सकती हो यार, इट्स सो गुड टू सी यू। राम,
मेरा फोन क्यों उठा रहा? बस तुम बताया नहीं कि कैडी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? तो टेल मी मोर, ट्रेनिंग बॉम्बे में है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हें मिलने का मौका मिला फिर से, गुड गुड वेरी गुड। वैसे ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी, हाउ लॉन्ग? I don't know much, वो I believe 2 months का ट्रेनिंग पीरियड है और हाँ that's all I know, I think कुछ 2-3 stages हैं इंटर्नशिप में and वैसे बातचीत तो बाद में भी हो सकती है, go make yourself comfortable, आराम करो, freshen up, फिर आराम से बात। सुनो जल्दी जाओ, मेरी कार निकाल अब, to get out of damn house. ओए आयशा, वो इतने खूबसूरत चेहरे पे टेंशन मेंशन नहीं अच्छी लगती, वो क्या हो गया? क्या हुआ? एक तो पहले ही वो नताशा वाला इतना बड़ा ड्रामा और उसके बाद राम ने मुझे पूरी पार्टी में सुना दिया और अब मेरा अपना बेटा, कैन यू इवन इमेजिन कि वो मुझसे आकर क्या कहता है? उसके पास एक एंजल जिसका नाम है प्रिया दी और वो एंजल हमेशा उसकी मदद करती। उसने प्रिया का नाम लिया? जी हाँ, उसने प्रिया दी का नाम, और ये भी राम ने ही उसे सिखाया है कि उसके पास वो एंजल है जिसका नाम प्रिया दी। एक तो पहले ही पूरा घर प्रिया की पूजा करता है, ऊपर से मेरा खुद का बेटा प्रिया एंजल मेरा दिमाग खा रहा है। वो ठंड राग पुत्र, वो बच्चा है, वो भूल जाना है उसने, हाँ? वो तू ऐश कर, वो जाके अपने दोस्तों शोस्तों से मिले, वो पैसे खर्च, शॉपिंग शूपिंग कर, जा जा जा। मैडम कार रेडी है, और जरा ना आराम से, तो दिमाग में इतनी गर्मी नहीं रखनी चाहिए। तू एक काम कर, तू ठंडी ठंडी चीजें खा, वो जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, बर्फ, कुछ ज्यादा गर्मी रखेगी ना तो चेहरे पे चुर्रियां पड़ जाएंगी, वो बुढ़ी हो जाएंगी। तू तो सुपर मॉडल है, ओ या आई यू राइट मामा जी, इतने साल हो गए ये प्रिया नाम के पोत ने इस कार का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे कम से कम पूजा को तो बता देना चाहिए था, पता नहीं शी मस्ट बी सो वरिड। नहीं पर बता दिया तो वो रजत सर को बता दे। हाय सौम्या हियर, कैडी राइट? राम पापा ने बताया था तुम दुबई से आई हो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि राहुल के पेरेंट्स यू नो हॉलीडे पे जाने वाले हैं। It's just so weird, ऐसे तुम्हारे घर पे। I'm sure राहुल को भी नहीं पता होगा। What? क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर मेरा घर क्या होता है? ये तुम्हारा भी तो घर है। Actually राम पापा ने मुझे बताया था, दुबई में तुमने उनकी काफी हेल्प की थी। तो इतना हक तो बनता है। आओ बैठो। You know what? पता है? आप ना बिल्कुल मेरे एक फ्रेंड की तरह हो। अच्छा? कौन? दुबई में है। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नाम है पूजा। आप प्रीटी मच बात भी उसकी तरह ही करते हो। वाओ, और करती क्या है आपकी फ्रेंड? उसका एक बुक स्टोर है दुबई में। सौम्या, हाँ कॉफी पियोगी? हाँ आई, कॉफी भिजवाती हूँ, ठीक है बाद में बातें करेंगे। 2 मिनट्स, आधा घंटा। यस यस, डोंट वरी, लीव इट टू मी। बाय। राम पापा ने बुलाया? हाँ, सुन तू वो कैडी से तो मिल चुकी है ना? हाँ बस अभी मिल के आ रही हूँ। नाइस गर्ल, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वीट है। तू एक काम कर, उसको ये बाहर वाली कॉफी शॉप पे कॉफी पिलाने के लिए ले जाए, यही जो सर्कल के पास जो है ना वहाँ पर। पापा बाहर बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे हम लोग? तो मैं कब कह रहा हूँ कि पैदल जाए यार, गाड़ी में जाना। मैंने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे कॉफी बनाने के लिए। सो अरे इस घर में थोड़ी सी कॉफी वेस्ट हो जाएगी तो हम कंगाल नहीं हो जाएंगे यार, जाना यार।
ओके जा रही हूँ, रिलैक्स। पर हुआ क्या है? तू जा, बस जस्ट गो, गो, मैं बाद में बताऊंगा, गो। मम्मा, क्या मुंबई नहीं घूमेंगे? ऑफ कोर्स घूमेंगे, खूब सारा घूमेंगे, लेकिन पहले कैडी दीदी को ढूंढेंगे, उसके बाद। लेकिन कैडी दीदी यहाँ पे क्यों आई? वो कम इन, आगे बताएगी मम्मा, ओके? मम्मा, मैं ड्राइंग करने जाऊँ? हाँ जाओ। सब कैडी का कुछ पता चला? हाँ, हमें इसी वक्त जुहू के कॉफी लाउंज जाना होगा। थैंक गॉड इसका पता चला। ठीक है, मैं पीहू को दाइजा के पास छोड़ देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। गुड आइडिया। 5 मिनट्स? या, स्मार्टली। I'll meet you downstairs. हाँ। Yes, ma'am. Cappuccino? Yeah. 2 cappuccino, oatmeal cookies. Okay, ma'am. You know, I love the ambiance of this place. बहुत beautiful है। है ना? See, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। I love this coffee shop. और वैसे भी घर पे बैठे बैठे कॉफी पीते तो यहाँ का लुफ्त कैसे उठाते? पर आप भी बिजी हो गए, कॉट अप हो गए, मैं पी रही थी घर पे, इट वाज ओके। ओह कम ऑन, आई एम सॉरी, तुम इतनी थकी हुई हो फिर भी मैं तुम्हें यहाँ ले आई। कैडी, मैं अपना वॉलेट गाड़ी में ही छोड़ आई, मैं अभी आई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.